भट्ट साहब और वो यहाँ पे वो डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के साथ था, ये उन्होंने यहाँ पे इसका आज के हमारे खुशूसी शुरुआती में कि उनको किस तरह हम प्रयोग दें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके सर। मिल जाएंगी गाइड आपको, कई की तरह आपके काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए, और हमारा मकसद ये है, मैंने पिछली बार भी बताया कि टूरिज्म प्रमोशन का मकसद ये है कि एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तो एक जरिया बनेगा, जो यहाँ का यूथ है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको थोड़ा सा इनकम रहेगा। मैं इसके नाम से जिले को लगाऊं, मतलब सबसे अव्वल पर अहरबल एक डेस्टिनेशन है जिसको हम पिछले 2 साल से हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग कामयाब हो चुके हैं। और इसमें हम लोगों ने समर फेस्ट हो गया, ऑटम फेस्टिवल हो गया, विंटर फेस्टिवल हो गया, तो ये हमारा दूसरा विंटर फेस्टिवल है जो पिछले साल भी हमने ऑर्गेनाइज करा हुआ था। अगर आप अहरबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो नॉर्मली अगर पुराना रिकॉर्ड देख के चले तो हमारा 70,000 से 80,000 लोग यहाँ पर पूरे 1 साल विजिट करते थे अहरबल में, जो कि अब इस साल हमारा अराउंड 2 लाख क्रॉस कर चुका है। तो ये इटसेल्फ एक इससे पता चलता है कि दैट अब अहरबल एक टूरिस्ट मैप में आ चुका है। बस अब हम इसको एक सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि होम स्टेज हो गया, या यहाँ पर T20 अकोमोडेशन हो गई, गेस्ट हाउस हो गए, यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है आसपास के, उनका सपोर्ट लेके, उनको एंगेज करके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टूरिज्म जो है ये एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जब टूरिज्म बढ़ेगा अहरबल में, कुलगाम में, तो जो हमारे यूथ हैं, जो आसपास के गांव हैं, इनके जो यूथ हैं, जो लोग रहते हैं, इनका भी रोज़गार बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो हम लोग करते हैं यहाँ पर फेस्टिवल्स, तो इनका मकसद यही है कि हम लोग इसको प्रमोट करें लोगों तक, तो आपके द्वारा जो मीडिया है आपके, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आगे जाके इसको मैसेज को पहुँचाएँ, ताकि पूरे कंट्री, देश भर के लोग यहाँ आए, आते भी हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस खूबसूरती को एंजॉय करें। साथ ही साथ विंटर फेस्टिवल्स का एक और मुद्दा भी होता है कि जो हम नॉर्मली देखते हैं कि विंटर्स में हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी करते नहीं हैं बच्चे, तो हम लोग कोशिश करते हैं इन फेस्टिवल्स में बच्चों को, उनको लाए यहाँ पर, उनको बताएं कि दैट विंटर जो है हमारे लिए एक प्रॉस्पेरिटी होता है। जब विंटर में बर्फ़ गिरती है तभी जाके हमारे समर्स बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हॉर्टिकल्चर और पैडी फील्ड्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ का यूथ है वो भी इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाए,